दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल ने तीसरे दिन के खेल में एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर कोहली तक तो क्या बल्कि द्रविड़ के भी होश उड़ गए थे। और कैसे अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक बार फिर से गिल ने सबका दिल जीत लिया वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल को क्या आप वनडे और T20 में भी खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भी लगभग भारत के नाम हो चुका है। आपको बता दें कि 322 रनों की लीड से इस दिन के खेल की शुरुआत करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छी बढ़त जब मिली जब मैदान पर आकर मयंक अग्रवाल फिर से अपना अर्धशतक पूरा कर गए। वो तो अपनी पारी में 62 रन लगा गए, दूसरी तरफ पुजारा भी 47 रन बना गए। लेकिन इस बीच जब शुभमन गिल और कोहली के बीच में साझेदारी बन रही थी तो टी ब्रेक के बाद मैदान में आते ही शुभमन गिल ने ऐसी ताबड़तोड़ और तूफानी बल्लेबाजी कर डाली कि न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाज अपना सर पकड़कर बैठ गए। और इसी धाकड़ बल्लेबाजी के दौरान गिल के बल्ले से एक ऐसा तूफानी सिक्स निकला जिसे देखकर द्रविड़ भी खड़े होकर ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए थे। ये पूरा वाक्य पारी के 51वें ओवर का है जब गेंदबाजी कर रहे थे सोमरविल और स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल। ओवर की पहली और दूसरी गेंद से ऐसा लग रहा था कि मानो शुभमन गिल गेंदबाज के कदम को पढ़ चुके हैं क्योंकि वो चौका तो लगा ही चुके थे, लेकिन चौथी गेंद पर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस क्रॉस सीमर गेंद पर शुभमन गिल ने एक फ्लैट छक्का जड़ते हुए कदम आगे बढ़ाए और लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को इतनी जोर से टांग दिया कि गेंद कोहली की रफ्तार से सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। और दोस्तों, शुभमन गिल के बल्ले से निकला इतना तेज तर्रार छक्का देखकर क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े कप्तान कोहली के साथ साथ स्टैंड से मौजूद द्रविड़ तक के होश उड़ गए थे, वो भी तालियां बजाते नहीं थके। और बड़ी ही तेजी से फिर शुभमन गिल अपने अर्धशतक की ओर भी बढ़ गए। दोस्तों, शुभमन गिल ने पहले इनिंग्स में भी रन बनाए थे और अब उनकी एक और पारी दर्शाती है वो काबिल है भारतीय टीम में होने के लिए। लेकिन आप सभी गिल के सिक्स को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।